हेलो दोस्तों, आज हम लोग रेशियो का पार्ट टू देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर भाग। यानी क्वेश्चन दिया है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो हमको निकालना क्या कि a अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि क्वेश्चन बराबर वाला रहे, क्वेश्चन बराबर वाला रहे तो जिसका मान निकालना हो उसको धर देना है, यानी एक तरह से कहेंगे उसको छोड़ देना है। यानी अगर ए का मान निकालना हो तो ए को छोड़ दीजिए और बाकी को गुना कर दीजिए, तो बाकी कौन कौन बचा, तीन और चार, तो तीन और चार को गुना कर लिखेंगे। तो तीन गुना चार कीजिएगा तो कितना रहेगा, बारह। उसी तरह से अगर बी का रेशियो निकालना है तो बी को छोड़ दीजिए, बी को छोड़ देना है, बचा कौन, दो और चार, तो दो और चार को गुना कर लिखना है। दो गुना चार कीजिएगा तो कितना आएगा, आठ। उसी तरह से सी का रेशियो लिखना है तो सी को छोड़ दीजिए, सी को क्या करना, पूरा छोड़ देना है, तो बाकी जो बचा उसको गुना कर लिखना है, तो दो और गुना तीन कितना जाएगा, छह। यानी आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो कितना, बारह अनुपात आठ अनुपात छह। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसको रेशियो में और लाने के लिए, यानी और छोटा रूप में लाने के लिए तीनों से कॉमन करेंगे, ठीक है। कॉमन मतलब तीनों में कितना से भाग दे, अधिक से अधिक कितना से भाग दे। तो देखिए 12, 8, 6 तीनों में कितना से भाग दे सकते हैं, तो दो से भाग दे सकते हैं, तो दो से भाग दीजिएगा तो यहाँ जाएगा 6, तो दो छह 12, 8 में दो से भाग दीजिएगा कितना आएगा, 4, दो छको 8, और 6 में दो से भाग दीजिएगा कितना, 3। यही आ गया रेशियो, यानी ए बी सी का फाइनल रेशियो कितना है, 6, 4, 3 का रेशियो, ठीक है। इसी तरह से देखिए फिर से आप कोशिश कीजिए समझने का, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ समझना है, क्वेश्चन से डरना नहीं है। देखिए एग्जाम में पूछता है बहुत, एसएससी का हो, सीजीएल या एलडीसी हो, एमटीएस हो, जो भी एग्जाम हो, या रेलवे में बैंकिंग में बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। तो चलिए फिर समझिए क्वेश्चन कि यदि क्वेश्चन बराबर वाला रहे, ठीक है, क्वेश्चन बराबर वाला रहे तो जिसका मान निकालना हो उसको छोड़ देंगे और बाकी को गुना कर उसके नीचे लिखेंगे। रूल यही है, जिसका मान निकालना हो उसको छोड़ देंगे और बाकियों को गुना कर उसके नीचे लिखेंगे। तो देखिए हमको ए बी सी का रेशियो निकालना था, तो पहले ए का रेशियो निकाल लिए, तो ए के रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का को छोड़ देंगे और बाकी गुना कीजिए, तो बाकी कौन कौन बचा, तीन और चार, तीन गुना चार कितना, बारह। उसी तरह से अब बी का रेशियो निकालना है आपको, तो बी को रेशियो निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो बी को छोड़ दीजिए, बाकी कौन, दो और चार, तो दो और चार को गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा, आठ। उसी तरह सी का रेशियो निकालना है तो सी के रेशियो को छोड़ दीजिए, तो बाकी कौन बचा, दो और तीन, तो दो और तीन गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा, छह। तो आगे बारह आठ छह का रेशियो, लेकिन इसको और छोटा रूप में लाइए, तो और छोटा रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, तीनों में भाग लगना चाहिए, तो तीनों में कम से कम कितना से भाग लगेगा, तो दो से, तो दो छक बारह, दो छको आठ और दो तिहाई छह, यानी छह चार तीन, इसका फाइनल आंसर है 6, 4, 3, ऑप्शन कौन जाएगा, तो सी नंबर 6, 4, 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह है, यदि 3p बराबर 5q बराबर 15r हो तो PQR का रेशियो करना, आपको क्या निकालना, P अनुपात Q अनुपात R का रेशियो। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 3P बराबर 5Q बराबर 15, यानी क्या है, सब बराबर है, तो अगर बराबर रह जाए तो जिसका मान निकालना हो उसको छोड़कर बाकियों को गुना कर उसके नीचे लिख देंगे। तो पहले P का मान निकालना है तो P को छोड़ दीजिए, तो कौन कौन बचा, 5 और 15, तो 5 और 15 गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा, 75, 5 गुने 15 कितना, 75। चलिए
अब क्यू का रेशियो निकालना है तो क्यू को छोड़ दीजिए, तो क्यू को छोड़ दीजिएगा इसको, तो कौन कौन बचा, थ्री और पंद्रह, तो थ्री और पंद्रह गुना कीजिए, तो तीन गुना पंद्रह कितना देगा, पैतालीस, तीन गुना पंद्रह कितना, पैतालीस अनुपात। अब आर का रेशियो निकालना है, तो आर का रेशियो निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो आर को छोड़ दीजिए, तो बचा कौन, तीन और पांच, तो तीन गुना पांच कितना, पंद्रह, तीन गुना पांच कितना, पंद्रह, तो आ गया पचहत्तर, पैतालीस, पंद्रह का रेशियो। अब इसको देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, यानी तीनों में कितना से भाग लगेगा, देखिए तो पांच से भाग लगेगा, पचहत्तर में पांच से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा पंद्रह, अब पैंतालीस में पांच से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा, तो नौ पचे पैतालीस, अब पंद्रह में पांच से भाग दिया तो कितना जाएगा, तीन, देखिए इसमें और भागा लग रहा है, कितना से, तीन से, तो तीन पचे पंद्रह, तीन तिहाई नौ, तीन इकाई तीन, यानी यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट पंद्रह से भाग दे सकते थे, पंद्रह पच्चे पचहत्तर, पंद्रह तिया पैतालीस, और पंद्रह इका पंद्रह यानी वन, आ गया कितना रेशियो, पांच तीन एक का रेशियो, यानी आंसर कितना हो जाएगा, पांच तीन एक का रेशियो, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, समझ गया ना। देखिए अगर क्वेश्चन बराबर में रहेगा, फिर समझिएगा, क्वेश्चन बराबर में रहेगा और रेशियो पूछेगा तो क्या कीजिएगा, जिसका रेशियो निकालना हो, यानी हम लोग पी का निकालेंगे, तो जिसका रेशियो निकालना हो उसको छोड़ करके और बाकी को गुना कर उसके नीचे लिखेंगे, किसके नीचे, जिसको छोड़ रहे थे तो उसके नीचे लिख देंगे। उसी तरह अगर क्यू का रेशियो निकालना हो तो क्यू को छोड़ दीजिए, क्यू को छोड़ देंगे तो बचेगा कौन, थ्री और पंद्रह, तो गुना करके लिखेंगे पंद्रह गुना तीन पैतालीस। उसी तरह से आर का रेशियो निकालना हो तो आर को छोड़ दीजिए और बाकी गुना कीजिए, तो थ्री गुने पांच पंद्रह, अब पचहत्तर पैतालीस पंद्रह में कितना कॉमन लीजिएगा, तो डायरेक्ट पंद्रह को कॉमन ले लीजिए, तो पंद्रह कॉमन लीजिएगा तो पंद्रह पच्चे पचहत्तर, पंद्रह तीया पैतालीस, और पंद्रह का पंद्रह यानी वन, तो आंसर आ गया पांच तीन एक का रेशियो। आइए तीसरा क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत आसान, इससे इजी कहीं नहीं मिलेगा, इससे आसान कहीं नहीं। देखिए दिया है 3p बराबर 2q और 2q बराबर 3r, तो pq r का रेशियो कितना हो जाएगा। देखिए ये पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे ऐसा क्वेश्चन को, देखिए यहां से पकड़िएगा 3p बराबर 2q, तो हम लोग p और q का पहले रेशियो लिख लेते हैं। देखिए p के सामने वाला, ठीक है, p के सामने वाला जो रहेगा वही मान हो जाएगा p का मान, और q के जो सामने रहेगा वो जाएगा q का मान, तो यहां से कह सकते हैं कि p बराबर कितना, दो, और q कितना जाएगा, q बराबर कितना, तीन, यानी p और q का रेशियो कितना जाएगा, दो अनुपात तीन, यानी p वाला मान q में चला जाता है और q वाला मान p में चला जाता है। अब उसी तरह से यहां से कीजिएगा 2q बराबर 3r, तो q और r का रेशियो लिखेगा तो कितना हो जाएगा, तो q के सामने कौन है, थ्री, तो थ्री यहां लिख लें, q के नीचे थ्री, और यहां r के सामने कौन है, दो, तो दो लिख लेंगे, दो, तीन अनुपात दो। अब देखिए पिछला वीडियो में बताए थे रेशियो बैलेंस करने के लिए, बैलेंस कैसे होता है, तो पहला पार्ट में और दूसरा पार्ट में जो कॉमन है उसके अनुपात को समान करते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों में जो कॉमन है उसको क्या करना है, समान करना है, तो समान कीजिए। देखिए पहला में है पी अनुपात क्यू और दूसरा में है क्यू अनुपात आर, तो दोनों में कौन सा कॉमन हो रहा है, क्यू क्यू कॉमन हो रहा है, तो क्यू का अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो बराबर है यहां पर, करने का जरूरत नहीं है, तो यहां पर लिख सकते हैं पी क्यू आर, तो P का मान कितना है यहाँ पर, दो, तो दो, Q का मान कितना दिया है, तीन, और R का रेशियो कितना है, दो, यानी P Q R का रेशियो कितना लगा, दो तीन दो, इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो कॉमन नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करके बतावल कीजिए कि कैसा लग रहा है वीडियो आपको पढ़ने में, और शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर से जरूर कीजिए। आपसे अनुरोध है कि
कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यह अगला वीडियो आपको तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि C6A = 4B = 9C है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना। देखिए पिछला क्वेश्चन में देखे थे हम लोग ए बी सी का रेशियो निकालना है। देखिए बराबर क्वेश्चन क्या है, बराबर वाला है। क्वेश्चन क्या है, बराबर वाला है। तो क्वेश्चन अगर बराबर वाला रह जाए तो जिसका मान निकालना रहेगा उसको ढक देंगे या छोड़ देंगे। ढक दीजिए या इसको छोड़ दीजिए। तो अगर ए का मान निकालना है, अगर ए के नीचे लिखना है तो क्या करना है, ए को छोड़ दीजिए और जो बाकी बचेगा उसको गुना कीजिए। तो बाकी कौन कौन बचा, 4 और 9। तो 4 और 9 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 36। तो ए के नीचे लिख देंगे अनुपात। अब बी का रेशियो लिखना है तो बी के रेशियो निकालने के लिए बी को ढक दीजिए, पूरा क्या होगा, ढक दीजिए या छोड़ दीजिए इसको पूरा। अब गुना कीजिए बाकी को, तो 6 और 9, तो 6 गुना 9 कितना हो जाएगा, 54। 6 गुना 9 कितना हो जाएगा, 54। और सी का रेशियो निकालना है तो सी को निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सी को ढक दीजिए, पूरा क्या होगा, झप जाएगा। तो जो बाकी बचेगा उसको गुना करना है, तो 6 गुना 4, तो 6 गुना 4 करना 24। तो ये रेशियो आ गया 36 54 24। अब देखिए इसमें कॉमन कितना रहा, यानी तीनों में कितना से भागा दे सकते हैं, तो ज्यादा कितना से भाग दे सकते हैं, 6 से। तो 6 6 36 9 6 54 और कितना हो जाएगा, 6 से 6 को 24। तो 6 से भाग दीजिए तो 6 6 36 9 6 54 और 6 6 को 24। यानी इसका एबीसी का रेशियो कितना गया, 6:9:4। आंसर कितना हो जाएगा, 6:4। अच्छा लग रहा ना वीडियो, बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो शुरुआत है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत भयापी क्वेश्चन आने वाला है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, 6:9:4। कहाँ 6:9:4, ऑप्शन बी। देखिए सब क्वेश्चन यह है जो प्रीवियस क्वेश्चन है, SSC रेलवे बैंक का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। देखिए थोड़ा सा टाइप चेंज किया है, इसको भी समझिएगा। A/3 = B/4 = C/7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। बहुत ईजी है, इसको बनाने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आंसर ढूंढ सकते हैं। तो इसका रूल सुनिएगा, ध्यान सुनिए, इसका रोल सुन लीजिएगा, आपका एग्जाम में 1 नंबर बढ़ जाएगा, और 1 नंबर बढ़ गया तो यही आपका 1 नंबर रिजल्ट दिला सकता है। तो बहुत आसान है, देखिएगा सुनिएगा। अगर क्वेश्चन बट्टा में और बराबर में रहे तो ए बी सी का रेशियो लिखिए। अगर क्वेश्चन बट्टा में और बराबर में रहे तो देखिए इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला झुकाते हैं, जैसे बोले उसे लिख दीजिएगा, ऊपर वाला के बराबर बराबर नीचे वाला झुकाते हैं। तो लिखा गया 1:3 आ गया। उसी तरह से ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला झुकाते हैं, तो बी बराबर ना 4। उसी तरह लिख सकते हैं ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला जिंक करते हैं, यानी सी बराबर कितना 7। देखिए ऊपर में ए है और नीचे में कितना 3 है, तो ए बराबर 3 हो जाएगा। ऊपर में बी है और नीचे में कितना 4, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 4। ऊपर में सी है और नीचे में कितना 7, तो सी बराबर कितना 7। तो ए का मान आया 3, बी का मान आया 4 और सी का मान आया 7, यानी रेशियो कितना निकल गया, 3 4 7। हम इतना बना दिए आपको समझाने के लिए, लेकिन जब एग्जाम आया तो इतना बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लिखेगा कि A = 3 B = 4 C = 7, यानी ए बी सी का रेशियो कितना होगा, 3 4 7, यानी ऑप्शन कौन जाएगा, ए नंबर। ऑप्शन कौन होगा, ए नंबर। देखिए 1 सेकंड का क्वेश्चन था, झट से क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर पर, आप झट से क्वेश्चन बनाकर निकल लेना है।
छठा क्वेश्चन, यदि a बटा तीन बराबर b बटा दो बराबर c बटा पांच हो तो c प्लस a का होल स्क्वायर अनुपात a प्लस b का होल स्क्वायर अनुपात b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो अभी बताएं कि यदि क्वेश्चन बटा वाला और बराबर में रहे तो, क्वेश्चन बटा वाला और बराबर में रहेगा तो कैसे बनाना है, ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला झुका दो, यानी ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला झुका दो। फिर यहां से देखिए बी के बारे में, ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला झुका दो, यानी बी बराबर दो। फिर इसमें देखिए ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला झुका दो, यानी सी बराबर पांच। निकल गया ए बी सी का मान। अब निकालना था यहां से क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट कि c प्लस a का होल स्क्वायर, तो c का मान कितना है पांच और a का मान कितना है तीन, तो पांच और तीन जोड़िएगा तो कितना आठ, आठ का स्क्वायर कितना जाएगा चौसठ अनुपात। फिर दिया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का मान तीन और b का मान दो, तो तीन और दो कितना पांच, तो पांच का स्क्वायर कितना पच्चीस अनुपात। b प्लस c का होल स्क्वायर, तो b का मान दो और c का मान पांच, तो दो और पांच कितना सात, तो सात का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना जाएगा उनचास। देखिए आया रेशियो कितना चौसठ पच्चीस उनचास का रेशियो है, ये तीनों में से कुछ कॉमन होगा नहीं, कुछ नहीं कॉमन है, तो कॉमन कुछ नहीं है तो यही रह जाएगा आपका आंसर, यानी चौसठ पच्चीस उनचास ऑप्शन कौन जाएगा तो सी नंबर चौसठ पच्चीस उनचास। आ रहा है ना मजा, बहुत मजा आएगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा, बहुत बेसिक दम बेसिक तरीका से पढ़ेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दो बटा तीन अनुपात एक बटा बारह अनुपात तीन बटा चार। देखिए पहले लिख लेते हैं यहां से क्वेश्चन, दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया है, तो दो बटा तीन, ए का मान कितना दिया रेशियो दो बटा तीन, बी का रेशियो कितना है एक बटा बारह और सी का रेशियो कितना दिया है तीन बटा चार। देखिए रेशियो क्या है बटा में, ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, नीचे वाला का एलसीएम लेना है, नीचे वाला का एलसीएम लेकर और सभी में गुना कर देना है, कुछ नहीं एकदम बहुत आसान है, हर का एलसीएम लेकर के और सभी में गुना करना है, सभी अनुपात में गुना करना है। बताइए नीचे में हर, नीचे वाला को हर बोलते हैं, दो बट्टा तीन तो दो अंश हो गया और इसमें तीन क्या हुआ हर, तो चलिए बताइए यहां से हर तीन है, यहां से हर बारह है और यहां से हर कितना है चार, तो तीन बारह चार का एलसीएम कितना होगा, यानी नीचे वाला का एलसीएम किसका ले रहे हैं नीचे वाला का, किसका एलसीएम नीचे वाला का, तो एलसीएम कितना आ गया बारह, तो बारह जो एलसीएम का करना है सभी गुना कर देना है, तो इसमें भी बारह से गुना, इसमें भी बारह से गुना, इसमें भी बारह से गुना। अब गुना कर लिए हैं, अब काट कूट कर लीजिए, तो काटेगा तीन चको बारह, बारह से बारह कट गया, चार तिहाई बारह, यानी आ गया चार दुना आठ, एक इकाएं एक और तीन गुना तीन कितना नौ, यानी आठ एक नौ का रेशियो, यही आपका आंसर है। देखिए इसमें क्या किया है कि नीचे वाला का एलसीएम लेकर सभी रेशियो में गुना करना है, नीचे वाला कैल्सियम लेकर सभी में गुना करना है, तो नीचे वाला यहाँ देखे तीन बारह चार, तो तीन बारह चार कैल्सियम कितना बारह, तो बारह सब में गुना कर दीजिए और जो काट छट करेगा वही हो जाएगा रेशियो, तो आंसर कौन जाएगा ऑप्शन ए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है इसे सरल बनाएं, दिया है दो पूर्णांक एक बट्टा तीन अनुपात तीन पूर्णांक एक बट्टा चार अनुपात एक पूर्णांक एक बटा छ, इसे सरल बनाना है यानी इसे रेशियो में लाना है, आंसर दिया रेशियो में। देखिए इसको ले सकते हैं कि पूर्णांक को हर के साथ गुना और
प्लस अंश वाला को जोड़ देना है और नीचे में फिर हर लिख देना है। इसको लिख सकते हैं 2 × 3 = 6 और ये कितना जगह 7, इसको लिख सकते हैं 7/3 अनुपात। इसको लिख सकते हैं 3 × 4 तो 4 × 3 = 12, 12 × 13 13/4 आयो जाएगा 1 × 6 = 6 और 1 जोड़ना है तो 6 × 7/6। अब आ गया भिन्न में, तो भिन्न वाला को क्या करना है, नीचे का एलसीएम, क्या करना है नीचे वाला का एलसीएम। तो बताइए 3, 4, 6 का एलसीएम कितना जाएगा, तो 3, 4, 6 का एलसीएम आ जाएगा 12। एलसीएम निकालना आता है ना, अगर एलसीएम नहीं निकालना आता है तो आप एलसीएम एचसीएफ के वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है। तो चलिए एलसीएम आ गया 12। अब 12 का करना सब में गुना कर देना है, सब में गुना कर दीजिए 12 से, सब में 12 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर भी 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना और इसमें भी 12 से गुना करना है। 12 कहाँ से आया है, तो नीचे वाला का एलसीएम लेकर। अब देखिए काटेगा तो 3 × 12 4 × 12 6 × 12 यानी आ गया 27 × 28 13 × 3 = 39 और 7 × 14 यानी रेशियो 28, 39, 14 इसमें कुछ कॉमन हो रहा है तो कुछ भी कॉमन नहीं रहा, तो यही आपका आंसर है। यानी आंसर आ गया 28, 39, 14 ऑप्शन कौन जाएगा 28, 39, 14 यानी ऑप्शन ए। आइए हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन में दिया है 3p/5 = 7q/2 = 7r/5। देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, बट्टा वाला क्वेश्चन होगा, क्या हो गया बट्टा वाला। अब बट्टा में है साथ में क्या, बराबर में, तो अभी बताए थे कि बट्टा में और बराबर में रहेगा तो रूल लगाइएगा, ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला ज्यों का त्यों, ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला ज्यों का त्यों। यानी लिख सकते हैं इसको कि 3p = 5। तो यहाँ से मान निकलेगा तो p का मान कितना निकल कर आएगा 5/3। उसी तरह से 7q/2 है तो ऊपर वाला के बराबर, ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला ज्यों का त्यों। तो यहाँ से लिख सकते हैं 7q/2 तो q बराबर कितना 2/7 और फिर लिख सकते हैं 7r/5 यानी ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला ज्यों का त्यों, तो r बराबर लिख सकते हैं 5/7। तो चलिए p q और r का रेशियो कितना हो जाएगा, तो P का मान दिया है 5/3 अनुपात, Q का रेशियो Q का कितना दिया है तो 2/7 निकल कर आया है और R का कितना आया है तो 5/7। अब देखिए क्या कीजिए इसको रेशियो में लिखने के लिए, तो नीचे वाला का LCM, नीचे वाला का LCM किसका, नीचे वाला का, तो 7, 7, 3 का LCM कितना जाएगा तो 21। अब 21 को क्या करना है, सब में गुना करना है, 21 को क्या करना है सब में गुना कर देना है, तो सब में 21 से गुना कर दीजिए 21, ये 21 कहाँ से आया है तो एलसीएम से 21। चलिए भागा दीजिए 3 × 7 = 21, 7 × 21, 7 × 21 तो आ गया 7 × 5 = 35, 3 × 6 और 5 × 3 = 15 यानी आंसर आ रहा है 35, 6, 15। ऑप्शन कौन जाएगा डी नंबर, ऑप्शन डी 35, 6, 15। देखिए 10वां क्वेश्चन दिया है कि 1/x = 1/y = 1/z = 1/2 / 3/5, तो एक्स वाई जेड का रेशियो कितना आ जाएगा, यानी पूछ रहा है एक्स वाई जेड का रेशियो। देखिए इसमें क्या करना है कि अगर बायां साइड में भी बट्टा में है और दायां साइड में क्या है बट्टा में है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं
कि 1/x का मान कितना है, तो 1/2 का रेशियो है, 1/x का रेशियो कितना है, 1/2, यानी x का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ 2 रख देना है अनुपात। अब तो 1/y का रेशियो कितना है, किसके बराबर, 1/3 के रेशियो के बराबर, 1/y का भान हो जाएगा 1/3, तो y का बराबर कितना जाएगा, y बराबर जाएगा 3। और जे 1/z बराबर कितना ले सकते हैं, 1/5 को लिख सकते हैं, यानी z बराबर कितना जाएगा 5। क्या आ गया रेशियो, यानी 2, 3, 5 का रेशियो, यानी बाया साइड को पलटेंगे, 1/x को पलटेंगे तो क्या जाएगा x, 1/y को पलटेंगे तो क्या जाएगा y, 1/z को पलटेंगे तो क्या जाएगा z। उसी तरह दाया साइड को पलट देंगे तो 1/2 को पलटेंगे तो क्या जाएगा 2, 1/3 को पलटेंगे तो क्या जाएगा 3, 1/5 को पलटेंगे तो क्या जाएगा 5, यानी x y z का रेशियो कितना जाएगा 2, 3, 5। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि नए नए विद्यार्थी नए नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें, और इस वीडियो जो बनाया है जिस उद्देश्य से उसका लाभ उठा सके सभी स्टूडेंट। चलिए, धन्यवाद।